सूरत पूरे भारत में और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। डायमंड, टेक्सटाइल और विभिन्न व्यापारिक प्रवृत्तियां जिस तरीके से सूरत में चल रही हैं, जिस तरह से इनका विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए सूरत जाना जाता है। आर्थिक संपन्नता के साथ कुछ एक बदियां स्वाभाविक रूप से समाज में आती हैं, उनमें एक ड्रग की बदी भी है। लोग एक्साइटमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए लेते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स में सिर्फ बर्बादी है, भविष्य खराब होता है, जीवन खराब होता है, परिवार खराब होता है, शहर का भविष्य बिगड़ता है, समाज खराब होता है। इसलिए सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, ना दावा साथ है, हमें एक जुम्बिश शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था। और उस जुम्बिश के तहत कुल अभी तक 46 केस पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें 5,07,85,418 कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और 155 आरोपियों को अटक किया गया है। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनमें से 146 पुरुष हैं और 9 स्त्रियां हैं। कुल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट पुलिस ने की है। और सूरत शहर में जो वांटेड थे पहले एनडीपीएस केसेस में, इस तरह के 22 आरोपियों को पकड़ा है और 25 गुजरात के जुदा जुदा अलग यूनिट्स, शहर और ज़िलों के जो वांटेड तोहमतदार थे, उनको भी सूरत शहर पुलिस ने इस दरमियान अरेस्ट किया है। ख़ास तौर पे सूरत में उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन, बाय रोड गांजे की सप्लाई की एक लीगेसी रही है, एक परंपरा रही है। इसमें हमने गहरा अभ्यास किया और सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच एडिशनल सीपी श्री शरद सिंगल की लीडरशिप में डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, इन तमाम अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स और सभी कर्मचारियों के स्टाफ के साथ मिलकर सतत जुम्बस ली। और एसओजी में पीआई सोवेरा और उनके साथ उनकी टीम ने भी मेहनत की। तमाम शहर पुलिस ने मिलकर जो कार्य किया है, उसके रिजल्ट के भाग रूप सुनील वृंदावन पांडी, ये दोनों गंजाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले दो भाई हैं जिनकी प्रवृत्ति ड्रग पेडलिंग की सूरत में चल रही थी। सुनील पांडी को पिट एनडीपीएस में ही पकड़ा गया और उसको जेल भेजा गया। उसके बाद इनकी गुनाहित जो रिकॉर्ड है हमारे पास गुजरात का, वो हमने उड़ीसा एसटीएफ के साथ शेयर किया, क्योंकि इनकी जो स्थावर और जंगम मिल्कत थी वो उड़ीसा में थी। उड़ीसा एसटीएफ को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उनके साथ संकलन में रह के एक प्रपोजल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका ऑफिस कोलकाता में है, उनको प्रपोजल किया गया। और उस प्रपोजल के आधार पे इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो स्थावर मिल्कतें हैं वो 12 हैं, जिनकी कीमत 2,09,69,787 रुपये होती है, और 2 गाड़ियाँ हैं 26 लाख। इनका बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है, इन सभी के बारे में प्रपोजल था। और एक बड़ी सफलता इस तरीके से उड़ीसा एसटीएफ के कोऑर्डिनेशन में रह के सूरत शहर पुलिस को मिली है। इनकी ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें आलिशान बंगला भी है और बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं। इस कंसर्टेड एफर्ट से सभी अधिकारियों ने, एजेंसीज ने मिलकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से जो गांजा सप्लाई का नेटवर्क था, उसको प्रभावी रूप से ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। ड्रग्स के विरुद्ध में यह अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और पूरे शहर के सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सभी को हमने संपर्क किया है। इनके साथ हमारी नियमित मीटिंग्स भी होती हैं और सभी मिलकर हम सूरत को ड्रग्स से मुक्त रखेंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है।
धन्यवाद। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाला रहो अब तक साथे।